और बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं। लोगों की नाराजगी आर्मी चीफ और सेना के खिलाफ बढ़ती जा रही है। लोगों को नियंत्रित करने के लिए आर्मी चीफ ने एक यूनिट भी गठित कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि बलूचिस्तान के लोगों में जो पाकिस्तान को लेकर, सेना को लेकर नाराजगी बढ़ी है और ज्यादा, क्योंकि इसके पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही है, उससे पाकिस्तान के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में अराजक की स्थिति और तख्तापलट के बाद अब पाकिस्तान की रातों की नींद गायब हो गई है। पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि बांग्लादेश जैसे हालात कहीं उसके यहाँ भी ना हो जाए। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भड़क चुके हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को लेकर मजाक बनाए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसा विद्रोह होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। सेना ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर देगी और देश की हिफाजत करेगी। लेकिन जनरल मुनीर आखिर इतने परेशान क्यों हैं? आखिर उन्हें भगवान की कसम क्यों खानी पड़ रही है? तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान में जो आजादी की जंग छिड़ी है वो इतनी आसानी से बुझती हुई दिखाई नहीं दे रही। बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता गंभीर हो चुकी है। संकट की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है पाकिस्तान एक ऐसे बड़े राजनीतिक उथल पुथल के कगार पर पहुंच चुका है जिसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बांग्लादेश के हालात के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ है। ऐसे में जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। पाकिस्तानी सेना के चीफ मुनीर भले ही कितनी कस्में खा ले, लेकिन हालात देखते हुए लगता है कि कहीं पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से भी बदतर ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश से मचे हाहाकार की। ना सिर्फ भारत में बल्कि अब पूरी दुनिया में बाढ़ और बारिश की वजह से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। चीन की बात करें तो दक्षिणी चीन में बाढ़ और बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, जिस वजह से हाहाकार मचा हुआ है। एक मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। कुदरत की ताकत के आगे विकास और तकनीक सब बौने साबित होते हैं। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, चीन की तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। विकास के सभी पैमाने को पार करने के बावजूद चीन कुदरत के आगे बेबस है। कहीं भयंकर बाढ़ में डूबे घर हैं, तो कहीं तूफान से बर्बाद होती फसलें। इन दिनों चीन के दक्षिणी इलाके में जहां जहां नजर आ रही है बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। चीन में हालात इतने खराब और भयावह हैं जिसे तस्वीरों से समझा जा सकता है। चीन के दक्षिणी गुआंगडोंग प्रांत में बाढ़ कहर बरपा रही है। यहां पर अब तक बाढ़ से 38 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के शांक्सी में हालात बद से बदतर होते चले गए हैं। वहीं कुदरत के कहर ने 15 लोगों की जान ले ली है। कुछ ऐसा ही हाल शांगलो शहर का भी है, जहाँ बाढ़ बारिश के चलते कई साल पुराना पुल भी ढह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खराब है, यानी कि कम से कम यहाँ के रहने के वाले लोगों के लिए रोड तो हो यहाँ पर। ये गली है जहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो गली है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और यहाँ पर आप सोचिए, इधर और इधर दोनों ही तरफ घर बने हुए हैं, लेकिन इन घरों के रास्ते किस तरीके से ब्लॉक हुए हैं। भैंसों को आप देख सकते हैं यहाँ पर घूम रही है, लेकिन उनके लिए भी चलना यहाँ पे मुश्किल हो पा रहा है। तो शिखा आपको बता रही थी कि वहाँ जानवरों के चलने की भी के लिए भी सड़क नहीं है, तो समझिए इंसान वहाँ कैसे रह रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, हर बार, और केवल ये एक इलाका नहीं है, दिल्ली में कई इलाकों में हर बार इसी तरीके से पानी भरता है। और हर बार जो दावे किए जाते हैं एमसीडी की ओर से, आम आदमी पार्टी जब एमसीडी में उनके ज़्यादा उम्मीदवार जीते तो यही दावा किया गया था कि कूड़े का ढेर हटा देंगे, जो बारिश में पानी भरता है, दिक्कतें होती हैं लोगों को, वो दिक्कत दूर होगी। लेकिन 1.5 साल से ऊपर का वक्त बीत गया है, अभी भी स्थिति वही बनी है, बल्कि दिन पे दिन स्थिति और खराब होती जा रही है। यही वजह है कि लगातार मौतों के मामले भी सामने आ रहे हैं पानी भरने की वजह से या फिर करंट लगने से। ये उस बच्चे के अंकल हैं, इनसे बात करते हैं। यहां पर ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से बच्चों की डूबने से मौत हुई हो, इससे पहले भी कई बार हो चुकी है। हर साल होता है, हर साल 2-4 बच्चे डूब के मरते हैं यहाँ पे, हर साल। सबके घर में पानी घर में पानी भरा हुआ है। यहाँ ये DDA का जमीन है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तालाब है,
हर साल यहाँ के बच्चे दो चार हर साल डूब के मरते हैं, हर साल। कुछ कहना चाहिए क्या? हम लोग तो कम से कम 50 चक्कर विधायक के पास मार लिए, निगम पार्षद उनके पास मार लिए, किसी के पास कोई वो नहीं है। मतलब MP तक के सांसद के पास भी हम लोग दो बार गए हैं, अभी जो बने हैं उनके पास भी दो बार होके आ गया, कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं। हाँ कर देखते हैं करते हैं, बस यही है आज तक। आज रिपोर्ट करते 2 मिनट में भारत का। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का मामला, पुलिस ने अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज किया जब्त और अस्पताल के कुछ लोगों को समन भी भेजा जा सकता है। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की मौत के बाद बवाल, अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र हालातों को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। कोलकाता में महिला की मौत के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला, अस्पतालों में देशव्यापी वैकल्पिक सेवाओं को रोकने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में द्रुंगाली नाले में आया पानी, जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई। पानी के तेज बहाव से पुल के ऊपरी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है, आवागमन बाधित हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने की वजह से 3 गौकश घायल हो गए और गौ तस्करों के पास से तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, पढ़ाई के बदले बच्चों से करवाया जा रहा है काम, सोशल मीडिया पर बर्तन धोने का वीडियो वायरल। मऊ से भागी युवती को राजस्थान में 1 लाख में बेचने का मामला सामने आया, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कोचिंग सेंटर में करंट लगने से छात्र की मौत, परिजनों ने संचालक पर लगाया लापरवाही का आरोप, पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के बलिया में दर्दनाक हादसा, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई और परिजनों में पसरा मातम का माहौल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया, पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी। यूपी के रायबरेली में चोरों का आतंक, एक साथ चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना, लाखों के आभूषण समेत नकदी लेकर फरार और मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गुजरात में सरोवर बांध से छोड़ा गया पानी, पहली बार खोले गए 5 गेट, तस्वीरें सामने आई। अंबाला में जमकर बरस रहे बादल, मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर जलजमाव की समस्या, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। बांग्लादेश में 5 अगस्त से हालात ज्यादा बिगड़ गए, प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा और उसके बाद से हालात लगातार वहां खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं और इसकी नाराजगी केवल बांग्लादेश या भारत में नहीं है बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं कि आखिर बांग्लादेश में जानबूझकर हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में आरक्षण के आंदोलन की आग में सब कुछ जलकर स्वाहा हो रहा है। सरकारी इमारतें हो, निजी संपत्तियां हो, चिड़ियाघर हो, फिर मंदिर और म्यूजियम हो, हिंसा की आग भड़की तो सब कुछ जलने लगा। इसी के साथ जल गया बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का हौसला, जिन्हें उनके ही देश में निशाना बनाया जा रहा है। और अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए जो अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की है। यहाँ यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय के सामने सैकड़ों हिंदू जमा हुए, मांग की कि बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को इंसाफ मिले। यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय के सामने सैकड़ों हिंदू जमा हुए इसलिए ताकि विश्व में शांति के लिए स्थापित इस संस्था के अधिकारी बांग्लादेश के हालात पर कुछ कार्रवाई करें। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा अब अमेरिकी संसद में गूंज रहा है, जहां भारतीय अमेरिकी सांसद ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को चिट्ठी लिखी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने में दखल देने की मांग की। इसी के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं को अमेरिका में शरण देने की मांग की गई।
एक तरफ न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ भारत बांग्लादेश सीमा पर अब हजारों लोग भारत में आने के लिए डटे हुए हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमलों से जान बचाने के लिए बंगाली हिंदू मारे मारे फिर रहे हैं। हिंदुओं की ये भीड़ न तो वापस अपने घर जा सकती है न ही भारत में एंट्री कर सकती है। जान की भीख मांगते लोग बॉर्डर पर फंस चुके हैं। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए और अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने हिंसा रोकने में नाकाम रहने पर वर्तमान सरकार के कर्ता धर्ताओं पर सवाल खड़े किए। I strongly suspect ISI. If you'll notice that the protests, now they were attacking the police with firearms, with weapons. यूएन से लेकर भारत तक के बुद्धिजीवी और सेकुलर जमात के लोगों के चेहरे पर लगा नकाब उतर गया है। ये तथाकथित बुद्धिजीवी दुनिया भर की घटनाओं पर मानवाधिकारों के नाम पर छाती पीटते रहते हैं, लेकिन पड़ोस में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी साध लेते हैं। बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया, आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं हैं। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है, बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है। हिंदू अगर